Dr. Vaishnu Dutt sir to deliver the lecture on agroforestry. He is the only man here in the Faculty of Forestry who is having the specialization in the agroforestry. Sir has done the MSc and PhD in the field of agroforestry. So now I request that sir to please deliver the lecture. Thank you. Good morning to all. My introduction. I am Dr. Vaishnu Dutt, Associate Professor in the Division of Silviculture and Agroforestry. About my qualifications, I am BSc Forestry and my qualification in MSc and PhD in Agroforestry. So today's topic is on entrepreneurial opportunities through agroforestry products. Abhi tak aapne forestry related kuch activities padhi hongi, hai na, kuch agriculture related. तो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कम एक तरह से कॉम्बो पैक है एग्रीकल्चर का और फॉरेस्ट्री का. तो पहले मैं थोड़ा सा वेरी लिटिल अबाउट एग्रीकल्चर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और फॉरेस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं बिजनेस की, और इन दोनों का जो कॉम्बो है, क्योंकि एग्रोफॉरेस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. तो मेन आपका एग्रीकल्चर में मेन फोकस है डाइवर्सिफिकेशन पे, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, देन आ जाओ प्रोडक्शन ऑफ एग्रो इनपुट्स, देन फ्लोरिकल्चर. तो फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मींस ऐसी क्रॉप्स जो कम रेमुनरेटिव है उससे शिफ्ट करना जिसमें अच्छा रेमुनरेशन मिले. ठीक है, तो मैं डाइवर्सिफाई करना अपने बिजनेस को, उससे भी हम काफ़ी पैसा कमा सकते हैं या अच्छा बिजनेस कर सकते हैं. तो डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न्स फ्रॉम ट्रेडिशनली ग्रोन लेस रेमुनरेटिव क्रॉप्स टू मोर रेमुनरेटिव क्रॉप्स लाइक ऑयल सीड्स, पल्सेस, फॉडर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, फ्लोरिकल्चर एटसेट्रा एंड लाइफ स्टॉक एंड फिशरी. तो यही एग्रोफॉरेस्ट्री में है सेम चीज़, क्योंकि एग्रोफॉरेस्ट्री मैंने बताया कि आपको एक कॉम्बिनेशन है. देन ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे रेमुनरेटिव बिजनेस है. अगर आप में से किसी के पास लैंड है और थोड़ा सा एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि एज ए फर्स्ट बिजनेस या एंटरप्रेन्योर इसको अगर आप स्टार्ट नहीं करना चाहते तो साइड बिजनेस आप इसको कर सकते हैं. इसमें साइड बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फायदा है, तो मैं इसका एक एग्जांपल बताऊंगा आपको. द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल मार्केट. दिस सेक्टर प्रोवाइड्स ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टू एग्रो बेस्ड एंटरप्रेन्योर. एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्म इज इंक्रीजिंग बट अनेबल टू मीट द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस. इतनी डिमांड है कि वो पूरी नहीं हो रही है. तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने जब 2003 में पीएचडी की, तो हमारे टाइम ऐसा होता था कि जब आप थीसी सबमिट कर देते थे तो बायवे के लिए 3-4 महीने लग जाते थे, मतलब वो कॉमन था और कॉन्फिडेंशियल होता था, किसी को पता नहीं होता था कि कहाँ थीसी जाएगी. अब तो बस वैसी चीज़ नहीं है. तो मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों क्लासमेट थे, वो पैथोलॉजी से था, मैं एग्रोफॉरेस्ट्री से था, हमने दोनों, क्योंकि 2-3 महीने थे हमारे पास, तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया. मैंने मेडिसिनल प्लांट्स भी किए, क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन मेडिसिनल प्लांट्स पे थी और वो पैथोलॉजी का था, तो उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग इसने स्टार्ट की. उसने मैन्योरिंग पे स्टार्ट किया, बर्मी कंपोस्ट यूनिट उसने स्टार्ट किया. फिर अब मुझे मिला, वो 10-20 साल हो गए हैं उस बात को हुए, क्योंकि 2003 में हमने पीएचडी की थी, तो अभी मिला मुझे कोई 2-3 साल पहले. तो उसको हिमाचल गवर्नमेंट से 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि आप और ये जो बर्मी कंपोस्ट है वो प्रोवाइड करो, 2 करोड़ अब आज तक कितना कमाया उसने नहीं मुझे बताया, क्योंकि उसने लेकिन इतना बताया कि 2 करोड़ का भी हिमाचल गवर्नमेंट से मिला है. बाकी वो कितना इसने और एजेंसी से किया वो आप सोच नहीं सकते. तो मतलब दोनों, हम दोनों एंटरप्रेन्योर फर्क देखो,
मैंने मेडिसिनल प्लांट्स पे काम किया और मेरे जो मेरी क्रॉप थी वो तुलसी थी, है ना, जिसको टेजिटिस सॉरी उसमें सेंटिम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा, हाँ जी आ जाओ। तो ऐसा वो उसने उसने नौकरी नहीं की लेकिन वो अपने बिजनेस से लगा रहा। मेरा ऐसा हुआ कि मैंने क्रॉप लगा दी, एक लेबर भी रख दिया और 3 महीने बाद मेरी जब वाइवा हो गया और पीएचडी होगी तो एकदम मैंने आर ए लग गया, रिसर्च एसोसिएट लग तब लग जाते थे। तो मैं नौकरी में बिजी हो गया और फिर वो बीच में रहा तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ उस बिजनेस में। तो दोनों फर्क देखो, मुझे नहीं लगता कि मैंने 2 करोड़ रुपये पूरी जॉब में मैं कमाऊँगा। अभी तो मेरे 15 साल नौकरी और है तो मुझे नहीं लगता कि 15 करोड़ में, सॉरी 2-3 करोड़ में कमा पाऊँगा, लेकिन वो आज तक कमा चुका है। तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बिजनेस क्लिक कर जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि आप चलो मेन फोकस आपका इस बिजनेस पे नहीं है तो आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, और साइड बिजनेस में भी इसका काफ़ी डिमांड है। देन फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ये तो बहुत ही रेमुनरेटिव बिजनेस है लेकिन इसके लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन पोस्ट आवर्स टेक्नोलॉजी किसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में हाँ बर्मी कंपोस्ट, यस बर्मी कंपोस्ट है बाई एम, आपको जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स है उससे परहेज करना है बस। तो आपने देखा आजकल जैसे श्रीनगर में आप जाओ, है ना, जितने भी कुछ आउटलेट हैं वो ऑर्गेनिक के नाम पे है ना, वो है या नहीं क्योंकि सर्टिफिकेशन तो करनी पड़ती है ना, वो सर्टिफिकेशन मिल जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें एक 2-3 साल आपको परहेज करना है केमिकल फर्टिलाइजर से एंड पेस्टिसाइड से, फिर बाद में क्रॉप जो अपने आप ही अडॉप्ट हो जाती है ऑर्गेनिक के लिए, और इसके सर्टिफिकेशन आराम से मिलती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको वो सिर्फ रेजिड्यू चेक करते हैं, अगर उससे कम है तो हो जाता है। देन फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर भी बहुत अच्छा बिजनेस है, ल्यूक्रेटिव सेक्टर है ये भी, क्योंकि इसमें इंडिया का शेयर बहुत कम है। अभी इंडिया में फ्लोरिकल्चर ग्रो कर रहा है तो इसमें बहुत अच्छा बिजनेस, पर्टिकुलर कश्मीर में तो आपको पता ही है कि फ्लोरिकल्चर की बहुत डिमांड है। एक छोटी सी बात बताऊँगा, अभी वी साहब आ रहे थे तो मैं एक बुके लाया, तो वो बुके 500 रुपीज़ का लाया है ना, और उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट होगी वो नॉट मोर देन 100 रुपीज़, तो वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो उसमें फ़ायदा है, और उसमें कुछ नहीं, उसमें टेक्निकल कुछ है नहीं। आपको फ्लावर्स 3 या 4 किस्म के फ्लावर्स प्लस ये हमारे फॉरेस्टिटीज, आप उसमें कुछ भी लगा लो, क्यूप्रेसेस कोई भी साथ में, है ना, और 500 नहीं, जो सबसे महंगा वाला था 2500 का था, तो उसमें और वैरायटी थी, तो इसमें काफ़ी फायदा है फ्लोरिकल्चर में भी। देन प्रोडक्शन ऑफ एग्रो इनपुट्स, तो फार्मर ये भी कर सकते हैं कि सीड का काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का काम कर सकते हैं, तो एक और ये बिजनेस है। फॉरेस्ट्री सेक्टर में, ये था एग्रीकल्चर है ना, फॉरेस्ट्री सेक्टर में क्या क्या है, हमारे जो बच्चे जिस तरह या नेचुरल फॉरेस्ट से बिजनेस कर सकते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट में क्या होता है, कुछ कलेक्शंस होती हैं, है ना, या टीडी होता है टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन से। नेचुरल फॉरेस्ट से हमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उससे जो नियर बाई लोग होते हैं या फार्मर्स होते हैं उनको एक फैसिलिटी होती है टीडी, मतलब टिम्बर डिस्ट्रीब्यूशन, उनको कुछ सब्सिडी पे मिलता है कम रेट पे, तो कुछ लोग उससे भी बिजनेस करते हैं। देन प्लांटेड फॉरेस्ट, तो ये हम जब एग्रोफॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो प्लांटेड फॉरेस्ट या फॉरेस्ट्री की बात करते हैं। तीसरा है एग्रोफॉरेस्ट्री, एंड फोर्थ अदर TUF ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। फॉरेस्ट्री में मेन फोकस में यहाँ के हिसाब से तो पेपर मेन है, यहाँ हालांकि पल्प एंड पेपर फोकस कम है लेकिन जो स्पीसीज हैं सेलिक्स एंड पॉपुलर, अगर आप में से कोई करना चाहे तो पेपर एंड पल्प पे जा सकते हैं क्योंकि इसकी डिमांड है। देन कंपोजिट वुड, तो मेन भी आपने देखा यहाँ कंपोजिट वुड पे बहुत काम है, अगर आप पुलवामा साइड जाओ या अनंतनाग साइड जाओ
तो आपने कोई बड़ा काम नहीं करना, सिर्फ प्लाईवुड इंडस्ट्री भी लगानी, क्योंकि उसमें खर्चा ज़्यादा है, उसमें 2-3 करोड़ कमी इनिशियल वो है। लेकिन मैंने देखा बाहर बड़े छोटे छोटे यूनिट लगे हैं विनियर के, विनियर मीन्स जो प्लाईवुड में फेस वो लगते हैं सीट्स, उसको विनियर बोलते हैं। तो वो बहुत काम है, छोटे छोटे यूनिट काफ़ी लगाए हुए हैं और इसमें बहुत फ़ायदे, कुछ नहीं करना है, इनिशियल इन्वेस्ट है 40-50 लाख की, वो तो है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, बस क्या करना है, एक मशीन लगानी है, उससे पीलिंग करो, वनीर कैसे बनता है, उसकी पीलिंग करते हैं ना वुड की, वुड लॉग की, तो पीलिंग होगी तो बस, बाकी कुछ नहीं करो, ड्राई करनी है उन्हें बाहर ट्राई करते हैं। तो मैंने देखा जब हम, आप भी गए होंगे 3rd year 4th year में जब हम ले जाते हैं आपको, तो वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कोई अपना बिजनेस शेयर नहीं करता, लेकिन उससे पता लगता है कि वो जो उनका रहन सहन है और उससे ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बायोफ्यूल्स है, बायोफ्यूल आज की डेट में देखो सरकार की पॉलिसी है कि जो हमारा पेट्रोल और डीजल आता है इसमें कम से कम 20% ब्लेंडिंग होनी चाहिए, है ना, बायोफ्यूल से। तो फॉर पंजाब और हरियाणा में तो इसका काफ़ी अब इसकी तरफ फोकस बढ़ रहा है, जिस तरह सोनीपत में एक बहुत बड़ा यूनिट लगा पराली के लिए, पराली जो होता है इसका जो पैडी का स्ट्रॉ बचता है नीचे, तो उससे हम इथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है। तो बूट से तो आपको, आपने सबने पढ़ा है कि बूट से काफ़ी इथेनॉल निकलता है, तो उस पर भी आप जा सकते हैं। देन नॉन वुड बेस्ड इंडस्ट्री, ये आप चारकोल है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अगर कोई अगरबत्ती बना सकता है, कोई फाइबर प्रोसेस, एसेंशियल ऑयल्स, ये सारा आपने पढ़ा है, गम्स एंड रेजिन्स, तो इसका, इसमें से भी कोई कंपोनेंट आप ले सकते हैं। ट्रीज, ट्री बॉल ऑयल्स, जिस तरह ऐसे ट्री जिसमें ऑयल निकलता है, जिस तरह हमारा यहाँ का एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो ये है एप्रिकॉट, वाइल्ड एप्रिकॉट, इससे हम तेल निकालते हैं ना, जिस तरह फिर जेट्रोफा है ना फॉरेस्ट्री का दूसरा। हाँ जी, तो स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इंडिया, फॉरेस्ट बेस्ड जो आज की डेट में जो फॉरेस्ट का स्टेटस है वो बढ़ रहा है, मीन्स आप अगर आप देखें 2013 से लेके 2021 तो सब में जो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट्री सेक्टर जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, इससे आपको बताते हैं कि फॉरेस्ट्री सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है, और कितना फोकस है। अगर हम इस वक्त अपने फॉरेस्ट कवर की बात करें तो ये है 21.71%, और इसमें अगर प्लस कर दें ट्री कवर जो कि 2.91% है, तो टोटल बन जाता है 24.62%। तो हमारी जो पॉलिसी है फॉरेस्ट पॉलिसी, वो बोलती है कि 33% होना चाहिए, है ना, तो हमारे हम 24.62 पे पहुंच गए, तो नियर टू दैट, तो वहां तक तो हमने जाना है, जाना है, तो इसके लिए फॉरेस्ट सेक्टर ग्रो करेगा करेगा। ये हमें मतलब फॉरेस्ट्री सेक्टर को आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये ग्रोइंग सेक्टर है, ठीक है, इससे पता लगता है ना कि कोई चीज़ काम हो रही है, तो इस इट मीन्स वो सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, ये बढ़ रही है तो इट मीन्स ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो ये तक फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर में क्या आप कर सकते हैं। अब एक एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है, मेरा फोकस जो मेरा टॉपिक भी था वो एग्रोफॉरेस्ट्री पर था, तो ये दोनों का जो कम्बिनेशन है, कुछ आप एग्रीकल्चर क्रॉप्स रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं और ट्रीज रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, ये इन कम्बिनेशन साथ में एनिमल्स भी, तो आपको तो सबको पता है, लेकिन जो टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, मुझे लगता है टेक्निकल डेफिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, इट इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ट्रीज और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को साथ ग्रो करेंगे उसको हम एग्रोफॉरेस्ट्री बोलते हैं। कुछ स्लाइड में एग्रोफॉरेस्ट्री में तीन कंपोनेंट्स मेन हैं, ट्रीज है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं एंड एनिमल्स हैं। तो ट्रीज से हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीज से हमें क्या क्या मिल सकता है, तो ट्रीज हैं सोर्स ऑफ फ्रूट्स, नट्स, एडिबल लीव्स एंड अदर फूड्स, या ट्रीज का हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स के लिए, पोस, लंबर, थैचिंग, नॉन एडिबल मटीरियल्स लाइक सैप, रेजिन, टैनिन, इंसेक्टिसाइड्स एंड मेडिसिनल कंपाउंड्स, और आल्सो सोर्सेज ऑफ फ्यूल, ब्यूटिफिकेशन, सेड, सॉइल कंजर्वेशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी।
तो ये नीचे वाले जो ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये देन क्रॉप्स, नॉन ट्री क्रॉप्स मीन्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो क्रॉप्स किसके लिए? फॉर मेकिंग मनी। कुछ कैश क्रॉप्स होती हैं जिनसे हम पैसा बना सकते हैं। देन फीडिंग द फार्मर, क्रॉप्स फॉर गुड न्यूट्रिशन, क्रॉप्स फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, क्रॉप्स फॉर फीडिंग द एनिमल्स एंड क्रॉप्स फॉर प्रोटेक्टिंग द सॉइल्स। इसीलिए और सेम तीसरा कंपोनेंट है एग्रोफॉरेस्ट्री में एनिमल्स। तो एनिमल्स हम किस लिए रखते हैं? फर्स्ट वन एनिमल्स फॉर मेकिंग मनी, कुछ देन फीडिंग द फार्मर, देन सप्लाइंग लेबर, देन नॉन फूड प्रोडक्ट्स के लिए, या यूजिंग क्रॉप रेजिड्यूज, या प्रोड्यूसिंग मैन्योर। जो मैंने लास्ट मैन्योर एंड मैन्योर को ही आप जो अर्डिंग कंपोस्ट मैन्योर होती है उसको आप उससे आप बर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। फिर हमने डिस्कस कर लिया कि कितना फॉरेस्ट का आजकल स्टेटस है, लेकिन इसमें भी अगर हम अपने इंडिया का देखें तो पंजाब बहुत ही प्रोडक्टिव स्टेट है ना एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन फॉरेस्ट्री के लिए वो उतना ही पीछे है। ठीक है, तो पंजाब स्टैंड एट बॉटम अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट्री कवर इन इंडिया। अब हम अगर एग्रोफॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं तो क्यों एग्रोफॉरेस्ट्री क्यों? तो इसके लिए फर्स्ट है कि वन ऑफ द बाइबल ऑप्शन फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि जो सिंगल क्रॉप के फेल्योर होने के चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। जब आप डाइवर्सिफिकेशन पे जाओगे तो फेल्योर के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं। और अगर आपने तो सबने पढ़ा कि एक सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन होती है ना, तो सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन से दोनों ही क्रॉप्स की, चाहे ट्रीज हैं चाहे क्रॉप्स हैं या एनिमल्स हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। देन सेकंड टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन टू फुलफिल फॉरेस्ट बेस्ड नीड्स थ्रू हाईली प्रोडक्टिव क्लोन्स या क्रॉप्स। अब फॉरेस्ट्री तो हमें ग्रोइंग सेक्टर दिख रहा है, अब एग्रोफॉरेस्ट्री, तो एग्रोफॉरेस्ट्री इंडिया इज फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने, इंडिया इज लीडिंग इन एग्रोफॉरेस्ट्री, तो हमारी अपनी एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी है और इसी के ऊपर एक सबमिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री भी चल रहा है। बेनिफिट्स आपने पढ़े हैं कि एक तो हमें मल्टीपल आउटपुट्स मिलेंगी, देन डिक्रीज प्रेशर ऑन फॉरेस्ट थ्रू ऑन फार्म प्रोडक्शन, लोअरिंग ऑफ फैलो रोटेशन इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, देन ब्रिंगिंग वेस्ट लैंड अंडर इकोनॉमिक यूज, मिनिमाइजेस एनवायरमेंटल हेल्थ हैजर्ड्स। कुछ आप फोटोग्राफ में आप देखते हैं सिस्टम कितने अच्छे हैं। तो देन स्टेटस ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री इन इंडिया, तो जो इंडिया में डिफरेंट रीजन में अलग अलग एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स प्रेवलेंट हैं, और वो अगर आप देखें तो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में मैक्सिमम जो एग्रोफॉरेस्ट्री है वो है टिम्बर बेस्ड सिस्टम। तो मेन फोकस किस पे है? टिम्बर। तो वहाँ मोस्टली जो स्पीसीज है इन तीनों स्टेट्स में सिर्फ पॉपुलर, अगर आप देखें पॉपुलर एंड इकलिप्टस ओनली टू स्पीसीज, और इन दो स्पीसीज पे एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है लेकिन हज़ारों करोड़ का बिजनेस है। आपने जब भी हमारे साथ अनूप जी थे हेलो मॉर्निंग, मैं बिजी हूँ ना। हमें बात करा अनूप जी थे हमारे साथ ना, डॉक्टर अनूप जी, वो यहाँ से बिहार से लेके चले गए। तो उनकी मैडम बिम्को में काम करती है, तो उनका काम सिर्फ क्या है? ओनली पॉपुलर पे, मतलब टू प्रमोट पॉपुलर कल्टीवेशन। तो उनका पैकेज कितना है? अब आप जिस तरह आप सारे, वो भी बीएससी फॉरेस्ट्री थी, हम मेरी क्लासमेट नहीं बोलती, मेरे से एक साल सीनियर थी, तो बाद में हम क्लासमेट बन गए एम एस सी पी एच डी में। तो उसका पैकेज है 40 लाख, है ना। तो आप पैसा मत समझो कि फॉरेस्ट्री वालों के लिए दरवाजे खुले नहीं, फॉरेस्ट्री वालों का बहुत स्कोप है। तो
और वो किसी प्लाईवुड या इसमें कंपोजिट वुड वाली इंडस्ट्री में काम नहीं कर रही, वो सिर्फ कल्टीवेशन पॉपुलर कल्टीवेशन पे उनका फोकस है, पॉपुलर कल्टीवेशन एंड जो उनके क्लोन्स हैं उसको पॉपुलराइज करना, ठीक है। देन कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड J&K में फ्रूट बेस्ड। तो अगर हम जब J&K की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए फ्रूट, ठीक है। पॉपुलर एंड सेलिक्स तो है ही, पॉपुलर से हमारा प्लाईवुड है और सेलिक्स से क्रिकेट बैट इंडस्ट्री है। तो अगर किस आप उससे भी जुड़ सकते हैं या मेन फोकस अगर एग्रो फॉरेस्ट्री के हिसाब से देन फ्रूट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो फ्रूट बेस्ड तो मेन एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री स्पीसीज है यहाँ पे एप्पल, अगर फ्रूट बेस्ड हम देखें। देन एप्पल के बाद ये मेरे काफ़ी एग्जांपल हैं तो उसी में मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो या देन केरला, तमिलनाडु स्पाइस बेस्ड, नॉर्थ ईस्ट टी एंड रबर, एंड राजस्थान फॉडर बेस्ड। तो आपका जितना भी मीट के लिए जिस तरह शीप एंड गोट्स आती हैं वो मोस्टली राजस्थान है ना, हरियाणा का कुछ पार्ट है वहीं से आती है, क्योंकि वहाँ फॉडर की फॉडर कैसा है, फॉडर फूड फॉडर क्रॉप्स नहीं है, फॉरेस्ट क्रॉप्स नहीं है, लेकिन वो ट्रीज है। आपने सुना होगा अकेशियास है ना एंड प्रोसपिस है ना, तो वेयर लैंड बेस लैंड जैसा मैक्सिमम उसमें ये फॉडर क्रॉप्स हैं अकेशिया एंड प्रोसपिस, तो फॉडर वहाँ अवेलेबल है। और एक बहुत बड़ी बात है कि हम फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के अलग अलग देखें तो हम सोचते हैं कि हमें जो मैक्सिमम डिमांड ऑफ टिम्बर है वो कहाँ से मीट आउट होती है, तो आप जल्दी बोलेंगे फॉरेस्ट्री से है ना, नहीं फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा 65% ऑफ कंट्रीज टिम्बर का की रिक्वायरमेंट कहाँ से पैदा मीट आउट होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री से। तो एग्रो फॉरेस्ट्री एरिया लेस देन 3% है लेकिन डिमांड्स कितनी मीट आउट करता है, 65% ऑफ द कंट्रीज टिम्बर। अगर हम कश्मीर की बात करें तो टिम्बर बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स मोस्टली हमारे पास हैं पॉपुलस डेल्टॉइड बेस्ड या पॉपुलस और पॉपुलस स्पीसीज, देन सेलिक्स, एलम, रूबीनिया, मीलिया, और फ्रूट बेस्ड एप्पल, पियर, प्लम, आलमंड, वॉलनट। तो दीज आर सम फोटोग्राफ्स, तो ये हमारा यहीं का फोटोग्राफ है, तो एप्रिकॉट प्लस ग्रासेस फॉडर बेस्ड, ये नीचे वाला एप्रिकॉट में, ये एप्पल बेस्ड, तो ये एप्पल प्लस सैनफाइन। अगर आप कुछ हमारी स्टूडेंट सैनफाइन पे काम भी कर रही है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा सिस्टम था, और अब एप्पल प्लस सैनफाइन दिस वन एंड दिस इज एप्पल प्लस क्या है ट्राइफोलियम। अभी मैं आगे चलूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस तो बताऊंगा ही ना, मैंने बोला ना दिस इज वॉलनट बेस, ये हमारा एप्रिकॉट बेस है। तो मैं अभी बता रहा था कि हमने ये ट्राई किया था बीन्स, तो आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन कैसे, वैल्यू एडिशन दो तरह से होती है, एक तो आप ऐसी क्रॉप ले आओ जिससे ज़्यादा वैल्यू मिले, मतलब और जो फार्मर्स को या मार्केट को अट्रैक्टिव हो, जिस तरह बीन्स, एक मिनट सुनो, मुझे चाय पी के नहीं आए आप लोग घर से है ना, है ना? तो ये आपके लिए थोड़ी नई चीज हो सकती है, अभी आपने जो मैक्सिमम फ्रेंच बीन खाते हो वो कैसी होती है, ग्रीन है ना, ये पर्पल है। तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं तो इस उससे डबल इसकी प्राइस में आपको मिलेगी, तो महंगी, तो इसलिए मतलब आप बिजनेस को कैसे भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये तो चलो फॉर्डर बेस्ड सिस्टम है, ये हमारा शालीमार में था सिस्टम,
एग्री हॉर्टी पास्चर सिस्टम एप्पल प्लस रिटर्न प्लस एप्पल प्लस ऑर्चर्ड। हाँ तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेंटेन सिस्टम था ये। तो एप्पल तो मेन क्रॉप है ही, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये है हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन। बाद में हमने इसकी इकोनॉमिक्स भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या नॉर्मल और हाई डेंसिटी में कितना फ़र्क है जब हम बिजनेस कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग वैरायटीज हैं। तो मैक्सिमम को तो आपको पता होगा क्योंकि आप सारे के सारे यही के हैं। ये कौन सी वैरायटी है? गोल्डन है ना। कुछ ट्रेडिशनल एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स भी, सेलिक्स बेस सिस्टम है, विल्लो प्लस राइस, देन आलमंड प्लस फेस्टुका, देन एप्पल प्लस हॉक जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ ये काफ़ी कॉमन है एप्पल प्लस हॉक है ना, देन एप्पल प्लस कैबेज प्लस बाउंड्री प्लांटेशन ऑफ पॉपुलर्स, ये है पल्स। ये बहुत ही एप्पल प्लस पल्सेस जो है वो बहुत ही रेमुनरेटिव है। अब मैं इसके बाद में मैं इकोनॉमिक्स भी दिखाऊंगा। इसके दो फायदे मैं बताता हूँ क्या, ये दोनों ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एप्पल को भी इससे फ़ायदा होता है जो पल्सेस होती हैं, और कुछ पल्सेस होती है वो शेयर लविंग होती हैं, तो ये वो भी अच्छी ग्रो करती हैं एप्पल के साथ। ये ओट्स, एप्पल प्लस ओट्स, ये लेक का फोटोग्राफ है। आपने देखो वहाँ अलग स्पीसीज होती है सेलिक्स की, वो है सेलिक्स कौन सी, टेट्रास्पर्म है ना, सेलिक्स टेट्रस। इसकी जो डिफरेंट स्टैम्स होती वो पता कितने रुपए की एक स्टैम बिकती है वहाँ पे? 20 रुपीज़ की, और एक एक ट्री में 50 to 60 स्टैम्प्स निकल जाती हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं एक ट्री से आप मतलब वो कितना कमा सकते हैं। और साथ में क्रॉप है ल्यूसर्न, तो हम देख रहे थे यहाँ हमारी ल्यूसर्न जो बच्चे काम कर रहे हैं, तो वहाँ देखो ल्यूसर्न कितनी, ल्यूसर्न की कितनी अच्छी प्रोडक्शन होती है और कितने उन्होंने वो बनाया है। देन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी तो हमने एग्जांपल जो डिस्कस किया वो कश्मीर के और लद्दाख के, कुछ हैं पंजाब के या नॉर्दर्न इंडिया के। तो मोस्टली जो नॉर्दर्न इंडिया में हैं ट्रीज और बाउंड्री फील्ड बाउंड्रीज हैं, और स्पीसीज हैं पॉपुलर, मेलिया, इक्लिप्टिस, तुना, डलवर्जिया, ये प्रॉमिसिंग ट्री स्पीसीज हैं। ब्लॉक प्लांटेशन में पॉपुलर, इक्लिप्टिस, मेलिया तीन स्पीसीज मोस्टली यूज़ करते हैं वहाँ पर, और स्कैटर ट्रीज ऑन फार्म में डलवर्जिया एंड अकेशिया। तो ये तीनों ही आपके नीचे फोटोग्राफ देख सकते हैं, बाउंड्री पे आप देख सकते हैं, ब्लॉक प्लांटेशन देख सकते हैं और स्कैटर्ड ट्रीज देख सकते हैं, कल्टीवेटेड ट्री। अब ये जितनी स्पीसीज जिनको हम कल्टीवेट कर रहे हैं, मतलब नेचुरल फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो पॉपुलस है, एक्लिप्टिस है, मीलिया है, तुना है, टेक्टोना है, टीक जिसको हम बोलते हैं, मलाइना है, डलवर्जिया है, कैजुरीना है, बैम्बूज बहुत रेमरेटिव हैं, एलेंथस, एंथस पैलिस, अकेशिया, प्रोसोपिस, ये कुछ आपको फोटोग्राफ भी दिख रहे हैं, जिसका पॉपुलर बेस्ड एग्रो, पॉपुलर भीट बेस्ड एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स, इक्लिप्टस, मीलिया। देखो मीलिया का कितना क्लियर बोल होता है, मीलिया डूबिया, जिसको एक लड़की हमारी काम भी कर रही है मीलिया डूबिया पे। तो अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ इतनी अच्छी ग्रोथ होगी उसकी, लेकिन वहाँ देखो लाइक इक्लिप्टिस एंड पॉपुलर, बैम्बूज, मलाइना, टेक्टोना। हालांकि टीक जो है अगर हम नेचुरल फॉरेस्ट में देखें तो टीक को हम, टीक की रोटेशन कितनी है? 50 to 60 ईयर्स है ना, लेकिन जो एग्रोफॉरेस्ट्री में है वह हम 20 साल में इसको काट देते हैं है ना। और फिर यूज किस लिए करते हैं? टिम्बर के लिए। और आपने देखा जो प्लाईवुड हम डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में कहीं भी इसका जो फेस है और बैक है वो नहीं बनता है प्लाईवुड में, आपने देखा होगा ना प्लाईवुड। यहाँ जो हम आप कल परसों जाओगे भी है ना, बोल रहे थे अवरजीत जी, जब देखना वहाँ प्लाईवुड बनती, प्लाईवुड इंडस्ट्री में जब जाओगे तो बीच के जो
वो ही बनाते हैं, जो बीच के वेनियर्स हैं वो तो बनाते हैं यहाँ पॉपुलर से, जो फेस एंड बैक होता है वो यहाँ नहीं बनता, तो सारे का सारा हम इम्पोर्ट करते हैं। तो वो मोस्टली किसका होता है, या टीक का, क्योंकि वो महंगा होता है ना। हाँ, और टीक की जगह आप दूसरा भी आजकल कुछ और स्पीसीज हैं जो इतनी कॉस्टली नहीं है उसका भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो टीक प्लाई हम बोलते हैं है ना, तो टीक का अगर फेस एंड बैक यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी महंगी होगी, लेकिन उसकी लुक जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो जो एग्रोफॉरेस्ट्री ट्री स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर टीक, तो वो हम यूज़ करते हैं फेस एंड बैक बनाने में। देन ट्रीज ऑन फील्ड बाउंड्रीज, द एक्लिप्टस प्लस मस्टर्ड सिस्टम। ये कुछ डाटा है, इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो फॉरेस्ट्री के बच्चे हैं वो देखेंगे 6 ईयर्स में कितनी ग्रोथ हो जाती है पॉपुलर की, 21 मीटर हाइट एंड और गर्थ 22, मतलब 23 लगभग, और इसी इस पे यही इसकी रोटेशन एज है। वहाँ पंजाब में हम देखें, पंजाब हरियाणा में, हालांकि अगर आप इसके साथ एग्रोफॉरेस्ट्री की बात करें तो परसेंट यील्ड रिडक्शन भी है, तो लगभग 46% जो है रिडक्शन हो जाती है। लेकिन अगर आप दोनों की जब हम इकोनॉमिक्स निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि वीट का कितना फ़ायदा है और कॉम्बिनेशन में एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम का क्या फ़ायदा, वो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम है, वहाँ पर ये दो रिकमेंडेड वराइटीज़ हैं, और देखो आप कितना अच्छी सिस्टम मेंटेन है। देन पॉपुलर प्लस पोटैटो कर सकते हैं, यहाँ पॉपुलर पोटैटो का बहुत अच्छा स्कोप है। अभी आप जब बिलाल साहब हमारे डीन थे वहाँ भडूरा में, एग्रीकल्चर के डीन थे, तो उन्होंने मेन फोकस किया पोटैटो पे, और एक जितनी भी सारी की सारी इसमें से 6 वराइटीज़ हैं, 6 में से 3 वराइटीज़ जो हैं वो हिमाचल से हैं। जो कुफरी लगा है, कुफरी हिमाचल में एक जगह है, तो कुफरी ज्योति, कुफरी पुखराज एंड कुफरी बादशाह एंड पुष्कर, ये बड़ी क्या बोलते हैं प्रॉमिसिंग वराइटीज़ हैं। आप नीचे आप देख सकते हैं पॉपुलर के साथ कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी पोटैटो की, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है पर्टिकुलर एग्रोफॉरेस्ट्री में। देन इसमें वीट और पोटैटो में कितनी रिडक्शन है, तो वो 6 सालों में लगभग जो क्रॉप की प्रोडक्शन में रिडक्शन होती है वो 40-45% के बीच चली जाती है, लेकिन अगर हम जब ट्रीज को हार्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो हम अगर एक इकोनॉमिक्स का टेबल है उसमें हम डिस्कस करेंगे। देन क्रॉप्स विद पॉपुलर बेस्ड मॉडल्स, तो हम पॉपुलर के साथ साथ कौन सी क्रॉप्स के साथ हम मॉडल बना सकते हैं, तो ये कुछ स्पीसीज हैं जैसे खरीफ के लिए मूंग, मेंथा, देन वीट, रबी के लिए वीट, पोटैटो, बार्ले, फेनुग्रीक, और एनुअल क्रॉप्स लाइक टर्मेरिक एंड सुगर केन या जिंजर भी। तो ये जो एनुअल क्रॉप्स है तीनों की तीनों थोड़ी शेड लविंग हैं, तो हम एग्रोफॉरेस्ट्री में कोशिश करते हैं कि कौन सी शेड लविंग क्रॉप्स हैं वो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मुझे लगता है कुछ फोटोग्राफ्स इससे इसमें नहीं आए हैं, एक मिनट। हाँ, तो ये कुछ टिम्बर एस्टिमेशन है, ये पॉपुलर में और इकलिप्टस में क्या फ़र्क है, तो सेम गर्थ में आपको देखा फ्रेश वेट जो है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना, सेम ही है लगभग 8.5 क्विंटल्स पर ट्री और उसका 8.9 क्विंटल्स पर ट्री। तो इस डाटा का हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इतनी गर्थ है तो हमारा जो फ्रेश वेट होगा वो इतना होगा, जिससे 75 है 3.1, 83.7 और जब 105 सेंटीमीटर गर्थ है तो 8.5 क्विंटल पर ट्री। तो पंजाब में इसी बेस पे भी इसको सेल करते हैं, तो आपको मतलब एज ए फार्मर जब उसको पता लगे कि मेरा जो ट्री है वो 105 सेंटीमीटर गर्थ का हो गया है तो इसका लगभग 8.5 क्विंटल है, तो हिसाब से वो बेच सकता है। ये हुई कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। देन मेडिसिनल प्लांट्स,
यहाँ मेन फोकस है मेडिसिनल प्लांट्स पे। तो मेडिसिनल प्लांट्स आपको पता है कि किस लिए यूज़ होते हैं, तो कुछ हैं जिस सब फाइटो मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन में, हर्बल टी, आजकल हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में आप गए होंगे तो मेन फोकस है हमारा हर्बल टी पे, क्रीम्स पे, है ना, कलनरी हर्ब्स पे, जिस तरह हमारी रोजमेरी है, कॉस्मेटिक पे हमारे इन्होंने क्रीम्स और वो भी बनाए हैं ना, एरोमाथेरेपी। तो व्हाई कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, ये तो कुछ क्योंकि डिमांड बहुत है और प्रोडक्टिव है, पैसे अच्छे मिलेंगे, प्रॉमिसिंग सेक्टर है, तो इसलिए हम मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ये इसी में है आजकल। और सबसे बड़ी बात, ट्रेंड चला है हर क्रॉप्स का, जो आप जब आप बिजनेस में, एज ए बिजनेस मैन या एंटरप्रेन्योर, आपको बिजनेस की सेंस पहचाननी है कि आजकल पल्सेस की डिमांड है या मेडिसिनल प्लांट्स की है। आजकल फिर थोड़ा मेडिसिनल प्लांट्स पे द्वारा फोकस हुआ। मैंने 19 साल पहले पीएचडी की थी, उस टाइम भी मेडिसिनल प्लांट्स का काफ़ी ट्रेंड था, तभी मेरा जो काम था वो मेडिसिनल प्लांट्स में मैंने लिया था, ट्रीज प्लस मेडिसिनल प्लांट्स। बीच में फिर 10-15 साल मेडिसिनल प्लांट्स की जो ट्रेंड है वो थोड़ा स्लो हुआ, आजकल दोबारा बढ़ गया है। अब देखो सबसे बड़ा एग्जांपल है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का सारा बिजनेस है वो मेडिसिनल प्लांट्स पे है, और उसका बिजनेस है वो 1000 करोड़ में चला गया है। रादर जो मेडिसिनल प्लांट्स में जो फास्ट ग्रोइंग कोई बिजनेसमैन है तो बाबा रामदेव, आज तक इस मेडिसिनल प्लांट्स में कोई भी इतना फास्ट ग्रो नहीं किया है। और बाकी सेक्टर में तो फास्ट ग्रोइंग बिजनेसमैन कौन है या एंटरप्रेन्योर कौन है फास्ट ग्रोइंग बिजनेसमैन, तो आपको पता ही है अडानी है ना। अडानी आज दुनिया का सबसे थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गया है, और एशिया का तो नंबर वन है ही वो। तो ये वो है मल्टीपल सेक्टर का, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस बहुत ज़रूरी है। तो वाई अंडर एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम्स, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। एक तो क्रॉप्स, मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल एरोमेटिक हर्ब्स स्पीसीज ग्रो अंडर फॉरेस्ट कनोपीज इन द नेचुरल हैबिटेट। तो अगर आपने देखा आज तक जो मेडिसिनल प्लांट्स हम कलेक्ट करते थे वो कहाँ से कलेक्ट करते थे, वाइल्ड से ना, वाइल्ड फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट में तो कभी क्लियर फील्ड आपको मिलेगी नहीं, है ना, वहाँ तो ट्रीज भी होंगे और ट्रीज के अंडर ही मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो उससे हमें ये पता लगता है कि ये ट्रीज के साथ ग्रो कर सकते हैं, तो इसलिए हम एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में इनको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, कैनोपीज ऑफ मल्टीपल ट्री स्पीसीज इंक्लूडिंग कमर्शियल टिम्बर स्पीसीज एंड मेडिसिनल ट्रीज एज ए शेड ट्री विल गेट बेनिफिट मेडिसिनल एरोमेटिक हर्ब्स एक्सीटू। तो सेम ये इंसिटू हो गया, तो दूसरा एग्रोफॉरेस्ट्री होगी एक्सीटू। अगर हम इस टेरेन की बात है या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये मेन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है, जिससे एग्री सिल्वीकल्चर, एग्री हॉर्टिकल्चर, एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर, सिल्वी पेस्टोरल, हॉर्टी पेस्टोरल, हॉर्टी सिल्वी पेस्टोरल, एनर्जी प्लांटेशन, कमर्शियल प्लांटेशन। हाँ, एक मार्केटिंग ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, इसमें भी आप अपने आप को फिट कर सकते हैं एज ए बिजनेसमैन, क्योंकि कलेक्टर और कंज्यूमर में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। कलेक्टर को कुछ नहीं मिलता है, आपने कलेक्टर नहीं बनना है, आपने बनना है बीच, क्या बनना है, प्रोसेसर या रिटेलर, बीच वाला, ठीक है। कंज्यूमर तो आपको ढूंढना है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको है, प्रोसेसर को या रिटेलर को, जो बीच वाला मिडिल मैन। अब आगे मैं डिस्कस करूँगा क्यों। आप ये देखो जो ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, आप सारी क्रॉप्स आप देख सकते, जो कलेक्टर्स प्राइस है बहुत कम है ना, 5 रुपये 3 रुपये 5 8 3, और एजेंट्स प्राइस, एजेंट को कितना मिल रहा है बीच वाले को या प्रोसेसर को, 25 15 35, और मार्केट प्राइस कितना है 30। तो ये गैप जो है इसको आप ले सकते हैं। ये कुछ क्रॉप्स है, कौन कौन सी क्रॉप मेडिसिनल क्रॉप्स हैं वो किस किस एरिया में ग्रो कर सकते हैं हम। इसलिए हम सोचते हैं कि मेडिसिनल प्लांट्स या मेडिसिनल एग्रोफॉरेस्ट्री भी एक ऑप्शन है। तो
क्योंकि ये आज हैं बिल्कुल लेवेंडर बहुत अच्छा बहुत यहाँ है ऑप्शन। तो पहला कि फाइंडिंग आज तक ये बहुत इंडिकेट करती हैं कि इसका कोई ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है ट्रीज़ का ऑन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट में अच्छी तरह ग्रो करती हैं तो एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। देन टिम्बर फ्रूट्स फॉडर फ्यूल ट्री स्पीसीज हैव बीन फाउंड बेनिफिशियल फॉर द सक्सेसफुल कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। देन हर्ब यील्ड प्लस बेनिफिट फ्रॉम द आर्बोरियल कंपोनेंट्स दैट बोथ ट्रीज एंड ऑब्लिक और फ्रूट यील्ड अश्योर्स ग्रेटर मॉनेटरी गेन्स, क्योंकि आप सिंगल क्रॉप पे फोकस करोगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप कॉम्बो में फ़ायदा ले सकते हैं। आगे हम सिस्टम वाइज डिस्कस करेंगे। ये वाली क्रॉप्स हैं जो हम इस एरिया में ग्रो कर सकते हैं। तो एक डिजिटल सिलेनेटा है, मैट्रिक एरिया कैमोमिला है, साल्विया सेक्लेरिया है, ओसियम सैंक्टम विदानिया सोमनीफेरा, ओसियम सिलिकम, टैजिटिस मान्यूटा, वैलेरियन जटामानसी, स्पाइलेंथस एक्मेला, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा, या वैलेरियन तो वही यहाँ काफ़ी है। हाँ, ये कुछ एग्जांपल है, ये सारे मेरे अपने फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं, लेकिन जब मैं पीएचडी कर रहा था साथ में मैं आ रहा था तो ये पॉपुलर प्लस एंड्रोग्राफिस है। एंड्रोग्राफिस इसको क्या बोलते हैं, कालमेघ। हाँ, पेनिकुल, तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रॉप है कालमेघ। इसका बिटर टॉनिक बनता है, वो काफ़ी महंगा होता है। आपने यहाँ इतनी अच्छी क्रॉप नहीं देखी हुई, ये साल्विया सेक्लेरिया है ना, तो पॉपुलर प्लस साल्विया सेक्लेरिया। हाँ, जो आपका और यहाँ के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग स्पीसी है साल्विया सेक्लेरिया, जो यहाँ वाइल्ड मिलती है वो तो क्या है मुक्रोशियान है ना। हाँ, ये डिजिटलिस है, पॉपुलर प्लस डिजिटलिस, ये फ्लावरिंग की स्टेज में होता है डिजिटलिस। कुछ जिससे ये सोयाबीन प्लस हर प्लस पॉपुलर बेस सिस्टम था हमने डॉक्ट किया। हाँ, अब बिजनेस के लिए दो तीन चीज़ें आप बड़े दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। कई बार होता है मैंने सपोज कर अपने बिजनेस में 100 रुपया लगाया, मुझे 110 रुपया मिला बाद में, तो वो मुझे पता नहीं कि मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये बेनिफिशियल था सिस्टम ये मेरा बिजनेस या नहीं। तो उसके लिए तीन मेथड्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये बेनिफिशियल है या नहीं। तो पहला है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जो बाद सपोज कर मैंने 1 लाख रुपया लगाया, 5 साल बाद मुझे मिला 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपये की जो 5 साल बाद मुझे मिलेगा 2 लाख रुपया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू जिसमें मैंने 1 लाख रुपये लगाया उससे ज़्यादा है तब तो फ़ायदा है। अब हो सकता कि पैसे की डी वैल्यू हो जाए है ना, तो वो उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू 90,000 ही हो तो वो बिजनेस हम नहीं कर सकते, देखने का हमें फ़ायदा लग रहा, लेकिन वो हम इसी हम पता कर सकते हैं इस फार्मूले से, नेट प्रेजेंट वैल्यू से। दूसरा बेनिफिट कॉस्ट रेशो, तो BC रेशो निकाल के भी हम देख सकते हैं कि अगर 1 से हमारा जो रेशो है 1 से ज़्यादा है तो हमारा बिजनेस जो है वो बेनिफिशियल है, अदरवाइज बेनिफिशियल नहीं है। और इसके लिए तीसरा है IRR, तो IRR से भी हमें पता लगता है कि हमारा जो IRR होना चाहिए वो जो हमने डिस्काउंट रेट रखा है उससे ज़्यादा होना चाहिए। एक एग्जांपल है, पुराना एग्जांपल है, आप इससे थोड़ा पता लगा सकते थे। फॉर एग्जांपल हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको जो नेट रिटर्न मिल रहा है वो पहले साल ही आपको प्रॉफिट में मिलेगा। तो हो सकता पहले शुरू पर्टिकुलर जो एग्रोफॉरेस्ट्री बेस्ड सिस्टम्स होते उसमें शुरू में क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन हमें जो बेनिफिट है बाद में मिलता है। फॉर एग्जांपल ट्रीज़ पॉपुलर एप्पल में तो इतना नहीं है, एप्पल में तो पहले 2-3 साल ही आपको ज़्यादा लगेगा, बाद में क्रॉप्स आनी स्टार्ट हो जाती तो आपको थोड़ा रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पॉपुलर में ऐसा नहीं होता। पॉपुलर में जितनी रोटेशन एज है तब तक आपका जो मोस्टली सिस्टम चलेगा वो नेगेटिव या एट पार, ठीक है, जितना आप लगा रहे हैं पैसा
उतना ही आएगा क्रॉप्स के साथ। अब देख छोटा सा एग्जांपल है पॉपुलर प्लस बीट एंड पैडी का, तो यहाँ तो बीट एंड पैडी रोटेशन कम है, लेकिन आप जम्मू में चले जाओ तो बीट एंड पैडी रोटेशन वहाँ कॉमन है पॉपुलर के साथ। तो 10 ईयर वहाँ रोटेशन है 10 ईयर्स। तो आप देखो जो फर्स्ट ईयर में हमारी जो ट्रीज पे कॉस्ट लगी वो लगी 62500 एग्जांपल है, ये अभी ज़्यादा भी हो सकती है आज की डेट में। तो नेट डिस्काउंटेड नेट बेनिफिट्स आप फर्स्ट ईयर में देखना तो नेगेटिव है। तो अगर आप हम अगर बिजनेस में सोचेंगे कि नहीं यार मेरे पहले साल ही 50,000 का नुकसान हो रहा था तो मैं बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे 10 साल तक वेट करना है तो 10 साल में इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आ गई 114532। तो इससे हमें पता लगा कि हमारा बिजनेस वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। वो कैसे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी है 86237, तो हम जो टोटल पैसा खर्च कर रहे हैं वो 86,000 ही कर रहे हैं ना, 86,000, लेकिन हमें जो पैसा मिल रहा है बाद में उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है 114,000। तो हमें इसमें बहुत फ़ायदा है। तो इसी रेट पे अगर हम अगर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो निकालें तो वो निकलता है 2.33। इसका मतलब जो हमने 1 रुपया खर्चा तो हमें 2 रुपये 2.33 रुपीज़ आपको रिटर्न में मिले। ये है इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री पॉपुलर एंड इक्लिप्टिस एंड मीलिया कंपोजिटर, तीन का आप वो देख सकते हैं। तो अगर आप रिटर्न देखें तो पॉपुलर के अगर आप ब्लॉक प्लांटेशन में करते हो तो 70,000 to 80,000 पर एकड़ पर ईयर आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, रिटर्न मिल रहा है 70,000 to 80,000। अगर बाउंड्री पे लगाएं तो 25,000 to 30,000। तो बाउंड्री पे जो प्लांटेशन लगाते हैं उसको तो आपकी क्या बोलते वो एक तरह से एब्जेंटी फार्मिंग है, मतलब आपने लगा दिया बस आपका काम चल पड़ा, आपका फिर भी पैसा आता रहेगा, ठीक है। देन इक्लिप्टस एंड मीलिया कंपोजिटर, मीलिया कंपोजिटर जिस तरह हमने दिखाया, हमने एक लड़की हमारी काम भी कर रही है, मुझे नहीं लगता यहाँ इतना बेनिफिशियल होगा, लेकिन ये पंजाब का एग्जांपल है। तो मीलिया कंपोजिटर जो है वो पॉपुलर के आसपास ही है, मतलब जितना पॉपुलर बेनिफिट दे रहा है उतना ही मीलिया कंपोजिटर भी दे रही है। तो इसको ज़्यादा हाँ अभी हमारी एक स्टूडेंट ने काम किया क्या बोलते पॉपुलर बेस्ड वुड लॉट्स पे, तो वो उसके जो बेनिफिट्स आए वो बहुत ज़्यादा आए वो, हालांकि उस मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक ठीक थे। तो डॉक्टर साहब उसमें उसने दिखाया कि वुड लॉट से हम लगभग 1.75 करोड़ रुपीज़ कमा सकते हैं, हालांकि उस क्वेश्चनेबल है वो, क्योंकि यहाँ अगर 1.2 मीटर होगा वो उसने कैलकुलेट कर दिया उसके हिसाब से। हालांकि आपने अगर सॉइल्ड साइट पता नहीं पीएचडी वाले जो हमारे जो सिल्विकल्चर पढ़ते हैं उनको हम पढ़ाते हैं सॉइल साइट क्वालिटी के, है ना। साइट क्वालिटी में क्या होता है जैसे जैसे हम डेंसिटी बढ़ाते चलते कुछ स्टेज पे जाके डेंसिटी का ज़्यादा असर नहीं होता तो वो डिक्लाइन होती है ना, नेगेटिव है। तो वो क्योंकि उसको हम वैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये मेरा पीएचडी का काम है जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया। तो पहला है तुलसी ओसियम सैंक्टम बेस्ड, ठीक है। तो सारे जो स्पेसिंग्स थी मेरा काम था स्पेसिंग को देखना, तो सारी की सारी स्पेसिंग जो प्रॉफिटेबल थी और काफ़ी हाई प्रॉफिट था। अगर आप नेट रिटर्न देखा ये 62,000 to 86,000 मींस ये उस टाइम की बात है 2002 and 2001 की बात। आप देखो उस टाइम 80,000 का मतलब था आज की डेट में आप 5 to more than 5 lakhs, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम है पॉपुलर प्लस ओसियम सैंक्टम। देन अब डिपेंड भी करता कि आप इस अपने प्रोडक्ट को कहाँ सेल करते हैं, ठीक है। अगर आप जो पहले वाला है वो है पंचांग बेस्ड, मतलब पंचांग की इसमें आपकी जो आयुर्वेदा की टर्म में बोलते हैं जो 5 पार्ट्स, पंचांग मीन्स 5 अंग 5 पार्ट्स, उसमें सारे का सारा प्लांट है ना, ले मैन के लिए सारे का सारा उसमें रूट स्टेम फ्लावर्स लीव्स है ना, पांच पांचों के पांचों ऑर्गन्स।
तो अगर पूरे का पूरा प्लांट्स बेस्ड हमने इकोनॉमिक्स निकाली और दूसरा निकाली कि अबव ग्राउंड फ्रेश हार्वेज, तो जो अबव ग्राउंड फ्रेश हार्वेज के लिए वहाँ हमारे एचपीएमसी की एक यूनिट है जो बनाता है सिर्फ, ठीक है, तो उन्होंने इसका सिर्फ बनाया और जो हिसाब से बेचा उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन की, तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, डबल। तो डिपेंड करता कि आपकी मार्केट किसको, मार्केट को कैसे आप कैप्चर करते हैं, वैल्यू एडिशन। हाँ, देन ये स्पाइलेंथ सेक्मेला बेस्ड है, तो एंड टेजिटिस माइन्यूट जो यहाँ होता है आराम से, तो वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल वेंचर था। गेंदा टाइप जो वाइल्ड मैरी, वाइल्ड मैरी गोल्ड होता है। ये कुछ और एग्जांपल हैं, तो जितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, तो इसमें आप नेट इनकम जो है वो सब के सब में आप देखो तो प्रॉफिटेबल है। ये यहाँ की क्रॉप्स हैं जो मेन टारगेट क्रॉप्स हैं, लवेंडर, रोजमेरी या रोजा डोमेसिना रोज आपका, देन मैंथा, टेजिटिस माइन्यूटा, साल्वियत, आप देखें सबके सब नेट रिटर्न जो वो काफ़ी अच्छे हैं, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख, तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। हाँ, ये मेरी अपनी स्टूडेंट्स का काम है, तो उसने एप्पल प्लस फ्रेंच बीन्स मतलब पल्सेस पे काम किया था, तो इस पर भी डिपेंड करता कि आप क्रॉप्स को आप कहाँ सेल कर रहे हो, तो जिस उसका एप्पल प्लस राजमा फॉलोड बाई ओट्स इन रबी सीजन, तो नेट रिटर्न था 4,80,000 लगभग, तो मतलब मोर देन 4 लाख। तो एप्पल बेस्ड सिस्टम जो, तो ओबियस ही काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। ये तो है सिर्फ जब स्पेसिंग आप नॉर्मल लेते हो 4x4, ये 4x4 मीटर स्पेसिंग पे है। अगर आगे मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊंगा, ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन, स्पेसिंग है 1-3 मीटर्स, तो 10 साल की क्रॉप है, 10 साल में आप कितना लास्ट में देखना क्यूमुलेटिव रिटर्न्स कितने लाख हो गया, 2,203 लाख। तो किसी को भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, 10 लाख 10 सालों में आप कितना कमाओगे, 203 लाख मीन्स 2 करोड़, है ना। तो जो हम जो नौकरी कर रहे हैं किसी के पास 2 करोड़ नहीं होगा, ये मैं लिख के देता हूँ, बाकी पता नहीं किसी के पास होगा तो पता नहीं, पर जो यहाँ हमारे फॉरेस्ट्री में साइंटिस्ट है किसी के पास 2 करोड़ नहीं है। देन लास्ट में कंक्लूजन यही है कि मैक्सिमम आप देखो ना, मैक्सिमम ओट्स आप देखो, ओट्स सबने लगाई है। अगर आप देखो यह पूरे बारामूला तक चले जाओ, यहाँ से लेके एप्पल प्लस ओट्स आपको रबी में मिलेगी। तो क्या वो ओट्स किसको खिलाते हैं, वो गाय को, गाय का दूध कौन पीता है, हम, हाँ, तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम है, तो वो किसी ने छोड़ा नहीं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।